पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में चली छुरियां। करीब 20 से 25 युवकों ने करीब 3 युवकों के ऊपर छुरियों और रॉड डंडों से किया हमला। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है, वैसे सुरजीत है। तो यहाँ पे सिस्टर के लिए कमरा ले रखा हुआ दुकान के पास है, तो उनके साथ लड़ाई हुई थी, तो हम छुटवाने गए ना, तो भाई ये छोटा इसके भी छुरी और मेरे पता नहीं क्या गुप्ती कप्ती ले रहे थे, एम कुछ है, दो मटरी के ऐसे कुछ नाम उनका, मोहित है उसका, मोहित एक निर्जय दुकान वाला और उसका रानी का मटरी के हैं। तो क्या रंजिश थी ऐसे कि अब आके उन्होंने पता नहीं छोटा लड़का को छेड़ रहे थे सिस्टर वाले को, तो बटे वो ने के साथ लड़ाई थी। हम वो इतने कितने लोग थे और आप कितने लोग थे, वो कितने लोग थे? हम तो बस दो तीन तीन चार जने थे बस, जने हम तो बाद में बटे उसके लड़के के साथ हाथापाई की थी उन्होंने। कितने लोग थे वो? होंगे 15-20 जने। ये बिल्कुल याद है, हम तो लगभग 3 बजे के करीब एक 14-15 लड़के थे, 14 लड़के थे जिन्होंने उनके घर पे ईंट पत्थर मारने शुरू कर दिए थे, और एक लड़के ने जो अंकुश नाम का है उसने उसके छुरी वगैरह भी मारी है, और लेकिन उसका बचाव हो गया है, और वो इतनी नहीं लगी छुरी कि जिससे उसकी जान चली जाती, लेकिन उसका बचाव हो गया है, और हमने मौके पे 14 के 14 आरोपियों को राउंड अप किया है और मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया है, और कल हम उनको पेश अदालत करेंगे। सर घायलों के क्या क्या नाम है और क्या क्या चोट लगी है सर? 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, दो लोगों के तो ईंट पत्थर लगे हैं, और एक आदमी एक जो इंजर्ड है उसके छुरी वगैरह मारी है, और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और उनका इलाज चल रहा है। सर बताया कोई रंजिश थी इनकी पुरानी या कैसे? बस होली के त्यौहार पे ये शराब पी के और मतलब नशा नुशा करके कुछ इस तरीके से इन्होंने पता नहीं कुछ थोड़ी बहुत बोलचाल हुई होगी आपस में, और उसके बाद इनका झगड़ा शुरू हो गया। तो